हार्ट फेलियर. सो हार्ट फेलियर इज व्हेन द कार्डियक फंक्शन इज अनेबल टू मेंटेन एन एडिक्वेट सर्कुलेशन फॉर द मेटाबॉलिक नीड ऑफ द टिश्यू ऑफ द बॉडी. मतलब ये हुआ इसका कि जब हमारा हार्ट होता है उसकी डिमांड ज़्यादा है, मतलब कि वो ज़्यादा नीड उसकी ज़्यादा है लेकिन इतना अमाउंट पहुंच नहीं रहा है, उसकी वजह से हार्ट फेलियर होता है. अनेबल टू मेंटेन एन एडिक्वेट सर्कुलेशन फॉर द मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी. मतलब जो जितना हंगर हमारे टिश्यूज़ को है, जितना ऑक्सीजन हमारे टिश्यू को चाहिए, उतना वो हार्ट पम्प नहीं कर पा रहा ड्यू टू एनी रीजन्स, उसकी वजह से हार्ट फेलियर हो जाता है. सो इट कैन बी एक्यूट और क्रॉनिक. इसके टाइप्स हैं, दे कैन बी एक्यूट और क्रॉनिक, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और इट कैन बी लेफ्ट हार्ट फेलियर और राइट हार्ट फेलियर. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. वेन इट इज़ क्रॉनिक, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जिसके अंदर अगर हार्ट फेल इज़ अकरिंग ड्यू टू द स्लो पैथोलॉजी दैन इट इज़ कॉल्ड क्रॉनिक हार्ट फेलियर. इसके अंदर जो एटियोलॉजी है, दीज आर गिवन बिलो. द एटियोलॉजी कैन बी इंट्रेंसिक पंप फेलियर, इंक्रीज वर्कलोड ऑफ द हार्ट, इम्पेयर्ड फिलिंग ऑफ कार्डियक चैम्बर्स. इस पूरी स्लाइड में इन सब की एटियोलॉजी दे रखी है और इनकी कुछ डिजीज दे रखी हैं जो इस एटियोलॉजी से मिलती हैं, जैसे कि इंट्रेंसिक पंप फेलियर. सो इंट्रेंसिक पंप फेलियर होता है मायोकार्डियाइटिस में, कार्डियोमायोपैथीज में, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में और इस्टीमिक हार्ट डिजीज़ जैसी बहुत सारी डिजीज़ में. इंट्रेंसिक पंप फेलियर में क्या होगा कि जो हमारी वेंट्रिकुलर वॉल्व्स की मसल हैं वो वीक हो जाती हैं. अगर वेंट्रिकुलर वॉल्व की मसल्स वीक हो जाएंगी तो वो ब्लड को होल्ड नहीं कर पाएंगी, और अगर वो ब्लड को होल्ड नहीं कर पाएंगी तो ब्लड आगे फॉरवर्ड नहीं जा पाता, जिसकी वजह से इंट्रेंसिक पंप फेलियर, वेंट्रिकुलर फिलिंग ठीक से नहीं हो पाती. सो इसके अंदर इट इज़ ड्यू टू वीकनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर मसल्स. नेक्स्ट इज़ इंक्रीज्ड वर्कलोड ऑन द हार्ट. इंक्रीज मकैनिकल लोड ऑन द हार्ट रिजल्ट इन इंक्रीज मायोकार्डियल डिमांड, रिजल्टिंग इन मायोकार्डियल फेलियर. जब एयर हंगर ज़्यादा बढ़ जाती है या डिमांड हार्ट की ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी वजह से वर्कलोड ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. दिस कैन बी ड्यू टू हाइपरट्रॉफी ऑफ एनी साइड ऑफ द हार्ट. उसकी वजह से ये इंक्रीज वर्कलोड ऑन द हार्ट की वजह से हार्ट फेलियर हो जाता है. सो द डिजीज़ comes under this etiologies can be stenosis, thyrotoxis, severe anemia. Next is impaired filling of cardiac chamber. तो इसके अंदर क्या होता है कि cardiac chambers की filling proper नहीं हो पाती, that is due to the bicuspid or tricuspid valves की वजह से, या फिर कोई भी ऐसा डिफेक्ट जिसकी वजह से चैम्बर में से ब्लड लीक होता है और दूसरे चैम्बर्स में चला जाता है, इसकी वजह से हार्ट फेल हो जाता है. सो इसके अंदर मैकेनिकल डैमेज है टू द हार्ट फंक्शंस, एंड द सेकंड वन इंक्रीज्ड वर्कलोड ऑन द हार्ट, दिस इज़ द फंक्शनल डैमेज. इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो हार्ट है उसके ऊपर ओवर वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से हार्ट फेलियर की कंडीशंस आ जाती हैं. सो दीज आर द एटियोलॉजीज जिसकी वजह से हार्ट फेल हो सकता है. नाउ वी कम टू द टाइप ऑफ द हार्ट फेलियर. दीज कैन बी एक्यूट एंड क्रॉनिक, बैकवर्ड फॉरवर्ड और लेफ्ट साइडेड राइट साइडेड. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एक्यूट एंड क्रॉनिक हार्ट फेलियर. द एक्यूट हार्ट फेलियर, द एक्यूट हार्ट फेलियर अकर्स वेरी रैपिडली एंड सडनली. ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है इसीलिए एक्यूट है. एंड द क्रॉनिक वन इज़ अकर वेरी स्लोली, और उसकी पैथोलॉजी को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. उसके लिए कंपनसेटरी मेथड्स भी हैं, इसकी वजह से दैट इज़ कॉल्ड क्रॉनिक हार्ट फेलियर. एक्यूट हार्ट फेलियर, सडन एंड रैपिड डेवलपमेंट ऑफ हार्ट फेलियर अकर इन द फॉलोइंग कंडीशंस: लार्ज मायोकार्डियल इन्फेक्शन, वेल्व रप्चर, कार्डियक टेम्पोनेड, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म. दिस मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इट मीन्स कोई भी एम्बोलाय किसी भी मेजर ट्रंक में जब अटक जाता है या मेजर ट्रंक के ल्यूमन को जब ब्लॉक कर देता है, उसकी वजह से मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है. वी ऑल नो व्हाट इज एम्बोलिज्म. एम्बोलिज्म कैन बी ऑफ एयर बबल और कैन बी ऑफ फैटी टिश्यूज और एनीथिंग विच ब्लॉक्स दी आर्टरी और विच ब्लॉक्स दी ल्यूमन. देन एक्यूट बैक्टीरियल टॉक्सीमिया,
सो इन एक्यूट हार्ट फेलियर ये इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि इसके लिए कंपनसेटरी मेथड्स स्टार्ट नहीं हो पाता. इसकी वजह से द पेशेंट कैन गो अंडर कार्डियोजेनिक शॉक और द सेरेब्रल हाइपोक्सिया. नाउ नेक्स्ट इज द क्रॉनिक हार्ट फेलियर. क्रॉनिक हार्ट फेलियर डेवलप्स वेरी ग्रेजुअली एंड वेरी स्लोली, सो इट टेक्स टाइम. द पैथोलॉजी ऑल्सो टेक्स टाइम. इसकी वजह से इसके अंदर कुछ कंपनसेटरी मैथड्स भी आ जाते हैं. दैट कंपनसेटरी मैथड्स कैन बी हाइपरट्रॉफी ऑफ एनी साइड ऑफ हार्ट डिजीज और कार्डियक डायलेशन. कार्डियक डायलेशन का मतलब होता है कि जो ट्रंक सप्लाई कर रही हैं उनके ल्यूमन का डायलेट हो जाना. कार्डियक हाइपरट्रॉफी मीन्स इंक्रीज इन साइज ऑफ द आइदर साइड ऑफ द हार्ट्स. द डिजीज विच कम अंडर क्रॉनिक हार्ट फेलियर कैन बी मल्टी वेल्वुलर हार्ट डिजीज, मायोकार्डियल इश्चीमिया, सिस्टमिक आर्टीरियल हाइपरटेंशन, chronic lung disease, and as further you can see in this slide. Then next category is left-sided heart failure or right-sided heart failure. The heart work as whole, but sometimes due to the hypertrophy or dilation or due to the workload, either side of the heart gets affected. Mostly the right side of the heart gets affected prominently, but left can also be. राइट साइड हार्ट फेलियर ज़्यादा इसीलिए होता है बिकॉज देयर इज़ नो अदर सपोर्ट सिस्टम फॉर इट. बट इन द लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर द लंग सपोर्ट्स, दैट्स वाई इट अकर्स इन द माइनर कंडीशंस. लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर इट इज़ इनिशिएटेड बाय स्ट्रेस टू द लेफ्ट हार्ट. सो मेजरली व्हेन वर्कलोड इंक्रीजेस टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इट अकर्स देन. इसके अंदर इडीमा इज द मेजर फैक्टर. व्हाई इडीमा अकर्स, this is also given in the backward heart failure, so we will study later on. It is initiated by stress to the left heart. The major causes can be systemic hypertension, mitral or aortic valve disease, ischemic heart disease, myocardial disease, and other cardiomyopathies and myocarditis. In this, the decreased left ventricle output causes hypoperfusion and diminish the oxygenation of the tissues. So majorly इसके अंदर anoxia हो जाता है. कैसे? हमारा left side of the heart, क्या हो गया? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जब हमारा किसी भी वजह से अफेक्ट होता है, उसकी वजह से जो नीचे के जो टिश्यूज़ हैं, मतलब कि लोअर बॉडी टिश्यूज़, एज़ वी ऑल नो कि सबसे पहले ब्लड अपर बॉडी में जाता है, मतलब हेड में, देन लोअर बॉडी में. सो लोअर बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें एनोक्सिया हो जाता है एंड उसकी वजह से फिर किडनी का परफ्यूजन होता है, वो सोडियम वाटर रिटेंशन होता है, एंजियोटेंसिनोजन एक्टिवेट हो जाता है एंड देन इट लीड्स टू इडीमा और दी हाइपोपरफ्यूजन. देन नेक्स्ट इज दी राइट साइडेड हार्ट फेलियर विच अकर मेनली इन राइट साइडेड हार्ट फेलियर. द कंडीशंस फॉर राइट साइड हार्ट फेलियर्स आर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर कॉर परमनली इन विच राइट हार्ट फेलियर अकर्स ड्यू टू इंट्रेंसिक लंग डिजीज, पल्मोनरी और ट्राइकस्पिड वेल्व फेलियर, pulmonary hypertension secondary to pulmonary thromboembolism. So in right sided and left sided heart failure, the one category also come, that is backward and forward heart failure. In this we can see this cycle. First we'll start this from left heart failure. सो इसके अंदर ये जो डिजीज़ हैं जो कि बॉक्स में बंद है, दीज आर द रीजंस जिनकी वजह से कार्डियक आउटपुट पहले डिक्रीज़ होगा. अगर हमारा कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होगा तो ब्लड की सप्लाई कम होगी, उसकी वजह से एनोक्सिया हो जाएगा. एनोक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन का कम सप्लाई होना. सो टिश्यू एनोक्सिया होगा, उसकी वजह से रीनल परफ्यूजन होगा. जब भी एयर हंगर हो या वाटर की कम सप्लाई हो, सबसे पहले किडनी अपना सिस्टम स्टार्ट करती है, दैट इज़ रीनल परफ्यूजन. इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्सचेंज से वो बैलेंस करती है. सो इसके अंदर वो एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम स्टार्ट होगा एंड देन सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन होगा. दिस लीड्स टू पल्मोनरी कंजेशन एंड इडीमा. This occurs जब left heart failure होता है. यही same disease leads to right heart failure also.
अगर एक बार लेफ्ट हार्ट फेलियर के कुछ दिनों बाद पेशेंट को राइट हार्ट फेलियर की चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अंदर लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से जो ब्लड होता है वो फर्दर चैम्बर्स में नहीं जा पाता, और उसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है लेफ्ट आर्टरियल में। इट लीड्स टू आर्टीरियल हाइपरटेंशन, प्रेशर बढ़ जाता है लेफ्ट आर्टरिया एट्रियम में, उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है, दैट इज़ दी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, विच लीड्स टू इंक्रीज राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर, और उसकी वजह से सिस्टमिक वेनस कंजेशन एंड पेरिफेरल एडीमा हो जाता है। वी कैन सी द साइकिल, अगर ये चीज़ लेफ्ट हार्ट फेलियर की साइड हो दैन इट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड फेलियर, एंड अगर राइट हार्ट फेलियर की साइड हो दैन इट इज़ कॉल्ड बैकवर्ड फेलियर।